हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आप देख रहे हैं स्विस जिन। तो आपका हमारा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट गेमिंग लैपटॉप जो बजट में था 2020 में, वो था एसुस टफ गेमिंग A15 एंड A17। तो फाइनली उसको एसुस ने रिफ्रेश करके 2021 में भी अनाउंस कर दिया है, काफी सारे चेंजेस के साथ अनाउंस किया है दोस्तों। तो वो क्या क्या चेंजेस है दोस्तों, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो देख लेने के बाद अगर आपको मेरा काम पसंद आए दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट्स का नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए। तो इस साल के टफ A15 एंड A17 में आप लोगों को जो चेंजेस देखने को मिलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिजाइन के, तो डिजाइन में आप लोगों को बहुत ज्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जो एक वेरिएंट मिलता है दोस्तों एक्लिप्स ग्रे कलर का, उसमें आप लोगों को जो लिड मिलता है दोस्तों, उसके लिड में आप लोगों को बड़ा सा टफ लिखा हुआ इस साल देखने को मिलेगा। काफी लोगों को यह पसंद आ सकता है, काफी लोगों को नहीं आ सकता है। मेरी बात करें तो मैं कहूंगा 50-50 में, मुझे पसंद भी आया नहीं भी आया, लेकिन डिजाइन टोटली सब्जेक्टिव है। आप लोग मुझे बताइए कि ये जो बड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप लोगों को कैसा लगा। और उसी के साथ आप लोगों को एक ग्राफाइट ब्लैक कलर का ये वेरिएंट इस साल भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कलर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साल भी। आप लोगों को बैक में हनीकॉम ग्रिप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को कटआउट्स मिलते थे इस साल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आप लोगों को जो डिजाइन है वो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ ही इस साल आप लोगों को ये टफ A15 एंड A17 देखने को मिलते हैं। वहीं इसके अंडर द हुड स्पेक्स की बात करें दोस्तों, तो इस साल आप लोगों को लेटेस्ट AMD के 5000 सीरीज के चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को अप टू राइजन 7 5800H का सपोर्ट मिल जाता है, अप टू NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, अप टू 32GB का RAM का सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, 3200 MHz का DDR4 का RAM रहने वाला है, 1TB का SSD NVMe PCIe रहने वाला है दोस्तों, जिसके साथ आप लोगों को दो SSD के भी स्लॉट्स मिलेंगे। और टफ A15 में आप लोगों को जो स्क्रीन साइज मिलता है दोस्तों 15.6 इंचेस का FHD डिस्प्ले रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को अप टू sRGB मिलेगा 100%। तो आप लोग अगर एक कंटेंट क्रिएटर है तो आप लोगों को ये लैपटॉप का sRGB इस साल काफी बेहतर लगने वाला है। और अगर आप एक गेमर है तो इस साल आप लोगों को रिफ्रेश रेट का ऑप्शन अप टू 240Hz का भी मिल जाता है, तो ये काफी बढ़िया बात मुझे इस साल लगी। और वहीं A17 में आप लोगों को 17.3 इंचेस का FHD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप लोगों को अप टू sRGB मिलता है 62.50% का, और इसमें रिफ्रेश रेट रहने वाला है दोस्तों 144Hz का। और वहीं आप लोगों को 90Wh का 4-cell का लिथियम आयन बैटरी भी इस साल देखने को मिल जाता है। टफ A15 में जो वेट रहने वाला है दोस्तों वो 2.30 kg का है, काफी बल्कि ये लैपटॉप है, बहुत ज्यादा हैवी आपको हैंड्स में लगेगा। और वहीं A17 में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मिलता है, 2.60 kg का वेट है। तो ये कुछ इसके स्पेक्स है दोस्तों जो आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगा। और इस साल भी आप लोगों को बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिलेगा विद RGB, तो ये गेमर्स के लिए काफी बढ़िया बात है। इस साल आप लोगों को अपग्रेड का ऑप्शन भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, आपको स्लॉट्स रैम के भी मिल जाते हैं, एडिशनल आप लोगों को SSD के भी स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो आराम से आप लोग आफ्टर मार्केट भी इसको आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। थर्मल्स की बात करें दोस्तों, तो इस साल आप लोगों को 83 ब्लेड्स का फैन देखने को मिलेगा, ड्यूअल फैन होने वाला है, 4 हीट पाइप्स होने वाला है, तो हीट डिसिपेशन में इस साल आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, आप लोगों को अच्छी यहाँ पर इंप्रूवमेंट इस साल देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आप लोगों को सेल्फ क्लीनिंग कूलिंग 2.0 भी देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो प्रोफाइल्स भी आप लोगों को इस साल देखने को मिलेंगे, साइलेंट मोड मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगा, टर्बो मोड मिल जाएगा, तो जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए इस साल आप लोगों को अवेलेबल वो भी मिलेगा। आर्मरी क्रेट का भी आप लोगों को जो एप्लीकेशन मिलता है टफ में, जिसके साथ आप लोग आराम से इसके फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी इसमें आप लोगों को इस साल देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ जितने भी एसेंशियल पोर्ट्स है इस साल आप लोगों को मिल जाते हैं, 3.5mm का ऑडियो जैक भी है, RJ45 भी है, HDMI भी है, सारे पोर्ट्स आप लोगों को इस साल देखने को मिल जाएगा। तो वहीं स्पीकर्स की बात करें तो आप लोगों को दो स्पीकर्स तो मिलते हैं, उसी के साथ आप लोगों को DTS X Ultra का सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ इस साल आप लोगों को AI नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है। तो ये काफी बढ़िया बढ़िया से फीचर्स इस साल आप लोगों को देखने को मिलेंगे Asus TUF A15 में। A17 में आप लोगों को सिर्फ डिस्प्ले साइज ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, बाकी ज्यादातर चीजें ही आप लोगों को सभी कुछ सेम देखने को मिलने वाला है, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों जो आप लोगों को 2021 में Asus TUF गेमिंग A15 एंड A17 में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस लैपटॉप के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप लोग उसको फॉलो करके इसके बारे में और जान सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को पसंद आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल पर ऐसे ही कंटेंट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।